हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका आज के लेक्चर में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो दो कैटेगरी बाकी रह गई थी, रिमेनिंग टू कैटेगरीज जो है प्रोटिस्टा किंगडम की, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। और हमारी पहली कैटेगरी है स्लाइम मोल्ड और दूसरी कैटेगरी होगी प्रोटोजुआस। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारी पहली कैटेगरी से रिमेनिंग, जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड। मेरे हिसाब से आपको ये वर्ड सुनने के बाद कुछ याद आया होगा, नहीं आया तो चलिए मैं याद करवाता हूँ आपको। स्लाइम मोल्ड ये वर्ड जो है मोल्ड से मिलता जुलता है। ब्रेड मोल्ड आपने सुना है, ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है उसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। मोल्ड वर्ड मोस्टली फंगस के लिए यूज किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि स्लाइम मोल्ड को पहले फंगस में रखा होगा और फिर इन्होंने प्रोटिस्टा में शिफ्ट किया होगा, वो सब आपको याद आ गया होगा। तो डेफिनेटली इसका रिप्रोडक्शन और इसके काफ़ी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो फंगस से मिलते जुलते हैं, और इसी रीज़न से इनको पहले फंगस के ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया था। पर आप सब जैसे जानते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम से उठा कर फंसा दिया है। जैसे पुलिस अलग अलग जगह से कैदियों को पकड़ के जेल में नहीं डाल देती, वैसा ही कुछ हमने प्रोटिस्टा किंगडम में किया है। इस किंगडम से उसको उठाया, उस किंगडम से उसको उठाया, एक किंगडम से हमने गोल्डन एल्गी को उठा लिया, दूसरे किंगडम से हमने क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला को उठा लिया, और देखिए अब फंगस के किंगडम में से हमने स्लाइम मोल्ड को उठा लिया। कई लोग इसको लूज मोल्ड्स के नाम से भी जानते हैं। अभी फिलहाल तो ये प्रोटिस्टल किंगडम का पार्ट है, खुशी की बात है, चलो इनको भी एक अलग किंगडम मिल गया, एक यूनिक किंगडम। एक बड़े किंगडम में क्या रहने का मजा है, अपना एक अलग किंगडम होना चाहिए। तो स्लाइम मोल्ड का खुद का एक किंगडम अब है और वो है प्रोटिस्टल किंगडम। तो स्लाइम मोल्ड का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टेंट, इसका मतलब है ये सेप्रोफाइटिक है, और सेप्रोफाइटिक उसको कहते हैं जो डिकेइंग मटीरियल्स पे सर्वाइव करते हैं, जैसे फंगस करती है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटीरियल। जो भी डिकेइंग मटीरियल्स होते हैं जैसे कि लीव्स हैं, उन सब के ऊपर ये जनरली सर्वाइव करती है। ये डिकेइंग मटीरियल्स में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उनसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाती है, इसीलिए उसको सेप्रोफाइटिक कहते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे करती है? अंडर सूटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। जब सूटेबल कंडीशन इसको मिलती है तब ये रिप्रोडक्शन शुरू करती है, और इनमें प्लाज्मोडियम नाम का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। छोटे 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 बहुत सारे सेल्स फॉर्म करेगी, बाद में वो ग्रो होंगे और वो फैलेंगे और एक नई स्लाइम मोल्ड को बर्थ देंगे, जन्म देंगे। इस तरीके से स्लाइम मोल्ड का रिप्रोडक्शन आगे बढ़ता है। अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड क्या करती है? तो रिप्रोडक्शन के अंदर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्लूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। जो प्लाज्मोडियम उन्होंने फेवरेबल कंडीशन में फॉर्म किए थे वो प्लाज्मोडियम फिर डिफरेंशिएट हो गए और फ्लूटिंग बॉडीज बनेगी, और उसके अंदर ढेर सारे छोटे 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 स्पोर्स हो गए, जैसे आपको फिगर में दिख रहे हैं। तो फ्लूटिंग बॉडीज़ क्या होती हैं और उनकी टिप्स पे किस तरीके से स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो हम फंगस के किंगडम में पढ़ेंगे। इसका भी रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं फंगस से मिलता जुलता है, तो आप फंगस की स्टडी के वक्त या फंगस के रिप्रोडक्शन के वक्त इजीली समझ जाएंगे कि फ्लूटिंग बॉडी किसको कहते हैं, स्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं। द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स, इनकी स्पोर्स के अंदर ट्रू वॉल्स होती है, मतलब ये सेल वॉल पजेस करते हैं। They are extremely resistant and survive for many years even under adverse condition. इनके spores के पास वैसी properties हैं कि harsh condition में, unfavorable condition के अंदर, adverse condition के अंदर भी ये बहुत साल तक जिंदा रह सकते हैं। ये spore कैसे फैलते हैं? द
स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, हवा की वजह से ये स्पोर उड़ते उड़ते अलग अलग जगहों पर स्प्रेड हो जाते, और जहाँ स्पोर को प्रॉपर कंडीशन मिलती है, लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वहाँ वो जर्मिनेट होते हैं और हर एक स्पोर से एक नई स्लाइम मोल्ड प्रोड्यूस होती है। ये जो स्पोर होते हैं वो एक्चुअल में सेल ही होते हैं, छोटे छोटे, हम उसको देख नहीं पाते क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है। पर जब स्पोर्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में इकट्ठे होते हैं फ्लूटिंग बॉडीज के अंदर, तब आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं ग्रुप के फॉर्म में। तो ये है स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर। और अब बात करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम की लास्ट कैटेगरी की, और इसका नाम है प्रोटोजुआस। ये दो वर्ड यूनाइट करके बनाया गया एक सिंगल वर्ड है, प्रोटो एंड जुआस। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और जुआस का मतलब होता है रिलेटेड विथ एनिमल्स, मतलब प्रिमिटिव एनिमल्स है ये। पहले प्रोटोजुआस को एनिमल किंगडम में रखा गया था। पुराने समय की क्लासिफिकेशन में ऐसा माना जाता था कि एनिमल्स के दो ग्रुप होते हैं, एक मल्टीसेल्युलर ग्रुप और एक यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर जो एनिमल्स थे उनको प्रोटोजुआ नाम दिया था, और मल्टीसेल्युलर में आप सब जानते हैं फिशीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मेमल्स, एव्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज हुआ, उस क्राइटेरिया के हिसाब से एनिमल किंगडम में सिर्फ और सिर्फ उसी को स्थान मिला जो मल्टीसेल्युलर था, तो वहां से उसको उठा लिया गया और फिर उसको डाल दिया गया प्रोटिस्टा किंगडम में। तो आज प्रोटोजुआस जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम में है, क्योंकि इसका नाम पहले से ही बन गया था, रख दिया गया था प्रोटोजुआ, मतलब प्रिमिटिव एनिमल्स, इसलिए वो नाम तो वैसा का वैसा रहा, कोई चेंज हमने किया नहीं। All protozoas are heterotrophs and live as predators or parasites. ये अपना खाना बिल्कुल ही नहीं बना सकते, जैसे animals नहीं बना सकते। ये predators है, ये छोटे छोटे organisms जो होते हैं उनको predate करते हैं, या तो parasites होते हैं, मतलब कि host या तो कोई और organisms की body में घुस जाते हैं और उनके अंदर से nourishment लेते हैं और उनको disease करते हैं। They are believed to be primitive relatives of animals. मतलब animals के बहुत primitive relatives माने जाते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये हमारे पुराने ancestor है। पूरा animal kingdom protozoa से ही form हुआ ऐसा माना जाता है। They are four major groups of protozoas. Protozoas को चार group में divide किया गया है। Amoeboid, Flagellates, Ciliated एंड स्पोरोजोवास। हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटोजोवास की चार कैटेगरी को। आउट ऑफ द फोर डिफरेंट कैटेगरीज, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी से, और उसका नाम है अमीबोइड प्रोटोजुआस, जिसमें अमीबा को इंक्लूड किया गया है। तो ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं, आप कहाँ सर्च कर सकते हैं इसको? दिस ऑर्गेनिजम्स लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट वाटर। ये सी वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। और आप सब ने पढ़ रखा होगा, लोअर स्टैंडर्ड में लर्न किया होगा कि अमीबा के पास शुडोपोडियास होते हैं, वो फॉर्म कर सकता है शुडोपोड्स, मतलब फॉल्स फिट। शुडो मीन्स फॉल्स, पोड्स मीन्स फिट। ये शुडोपोड्स फॉर्म करता है और अपना जो फूड होता है उसको कैप्चर कर लेता है। इस चीज़ को अगर आपको लाइव देखना है, इस प्रोसेस को लाइव देखना है, तो यूट्यूब कर सकते हैं आप, अमीबा कैप्चरिंग फूड बाय यूजिंग शुडोपोडिया। They move and capture their prey by putting out pseudopodia falls fit as in amoeba. Prey मतलब शिकार, amoeba अपने शिकार को कैसे capture करता है? Pseudopods मतलब falls fit form करके।
मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। आप जानते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर के साथ साथ मरीन वाटर में भी पाया जाता है। तो जो मरीन वेराइटी है अमीबोइड प्रोटोजोअस की, उनके अंदर सिलिका शेल्स होती है। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स। एंटामीबा जो है अमीबा, वो पैरासाइट्स है, वो होस्ट के अंदर जाता है और उनमें डिजीजेस करता है। इसका फुल फॉर्म है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। प्रोटोजुवास की सेकेंड कैटेगरी है फ्लेजिलेटेड प्रोटोजुवास, मतलब जिनके पास फ्लेजिला है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर इधर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। इस ग्रुप में जो भी मेंबर्स है वो या तो फ्री लिविंग है, फ्रीली रहते हैं अपने हैबिटेट के अंदर, या तो कोई होस्ट को ढूंढते हैं, उनकी बॉडी में जाते हैं, उनकी बॉडी में से नरिशमेंट और न्यूट्रिशंस लेते हैं और उनको डैमेज करते हैं या तो डिजीज करते हैं, उन्हीं को हम पैरासाइटिक कहते हैं। दे हैव फ्लेजिला, डेफिनेटली उसी की वजह से तो इसको नाम दिया गया कि फ्लेजिलेटेड प्रोटोजुवास। तो पैरासाइटिक फॉर्म्स, जो पैरासाइट्स हैं, कोज डिजीजेस सच ए स्लीपिंग सिकनेस। इनकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है और ये बीमारी करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम है ट्राइपेनोसोमा, जो मैंने आपको फिगर में दिखाया है। इसकी कार्टून इमेज दिखाई है मैंने आपको, और ये ऑर्गेनिज्म्स यूनिसेल्यूलर है। तो देखिए, रेड ब्लड सेल्स आपको दिख रहे हैं और उसके बीच बीच में आपको वायोलेट कलर के ट्राइपेनोसोमास दिख रहे हैं। तो ह्यूमंस के अंदर ट्राइपेनोसोमा का अगर इन्फेक्शन होगा, अगर ट्राइपेनोसोमा पैरासाइटिक है और ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन करता है और उससे स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है, तो उसमें होता क्या है? स्लीपिंग सिकनेस के अंदर इंसान की जो स्लीपिंग साइकिल है वो चेंज हो जाती है। वो दिन को सोता है और रात को जागता है, और भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं। आप सर्च करिए और मुझे बताना कि और कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं जब ट्राइपेनोसोमा ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। प्रोटोजुवा की थर्ड कैटेगरी है सीलिएटेड प्रोटोजुवास, मतलब जिनके पास सीलिया है, ऐसे प्रोटोजुवास। इसका सबसे यूनिक एग्जांपल है पेरामिशियम, चप्पल जैसा दिखता है और देखिए फिगर में इनके पास छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है और बहुत सारे नंबर्स में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनकी आउटर बॉडी सर्फेसिस के ऊपर। इसी को हम सीलिया नाम देते हैं। दिस आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। सीलिया के बहुत सारे नंबर्स होने की वजह से ये एक्टिवली मूव कर पाते हैं और ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वॉटर में पाए जाते हैं। दे हैव अ कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। इनके पास एक कैविटी है जो आउटर सरफेस की तरफ खुलती है, जिनको फिगर में ओरल ग्रूव नाम से दिखाया गया है। इसको ओरल ग्रू कह सकते हैं, कैविटी कह सकते हैं, या फिर इसको गुलेट के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग कहते हैं कि पैरामिशियम का ये माउथ है, पर जनरली जब वर्ड हम सेल यूज़ करते हैं तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए हम माउथ वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, पर कह सकते हैं कि माउथ लाइक स्ट्रक्चर इन पैरामिशियम। उसको कैविटी या तो ओरल ग्रूव या तो गुलेट कह सकते हैं, जहाँ से वो खाना लेता है, कैप्चर करता है अपना फूड। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ रोस ऑफ सिलिया कोजिस द वॉटर लेडन विथ फूड टू बी स्टर्ड इन टू दी गुलेट्स। सिलिया की कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज मूवमेंट होती है जिसकी वजह से ये मूवमेंट तो डेफिनेटली करता है, पर वॉटर मूवमेंट की वजह से पानी के जरिए वॉटर के मीडियम के थ्रू खाना गुलेट की तरफ खींचा हुआ चला आता है और ये गुलेट में से अपना फूड कैप्चर कर लेता है। एग्जाम्पल पैरामिशियम, जो चप्पल जैसा दिख रहा है, तो ये ऑर्गेनिज्म सिलिएटेड प्रोटोजुवास का हिस्सा है।
स्पोरोजुवास फोर्थ कैटेगरी है प्रोटोजुवास की और लास्ट कैटेगरी भी, क्योंकि ये स्पोर फॉर्म करते हैं इसलिए इनका नाम स्पोरोजुवास है। मैं आपको बता दूं ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली इन्फेक्शियस है, मतलब ये इन्फेक्शंस करते हैं, डिजीजेस करते हैं, और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस, और इनको पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशंस गेन करने के लिए होस्ट की बॉडी में एंटर होते हैं और होस्ट को डैमेज करते हैं। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल के अंदर ऐसे स्पोर फॉर्म होते हैं जो स्पोर्स इन्फेक्शियस होते हैं जो डैमेज करते हैं। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट्स विच कोज मलेरिया विच हैज़ अ स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर हम बात करें तो उनमें से एक बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है स्पोरोजुवास का, मलेरियल प्लाज्मोडियम और पैरासाइट्स। मैंने आपको बताया पैरासाइट्स जो होते हैं वो होस्ट की बॉडी से नरिशमेंट लेते हैं, और उनमें से एक है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉजिंग है, हम जानते हैं कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करता है। मलेरिया की वजह से पास्ट में बहुत से लोग मारे गए थे, क्योंकि उस वक्त में मलेरिया के सामने हमारे पास कोई भी ऐसी ड्रग्स या तो मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी जो स्पोरोजुवास को या तो प्लाज्मोडियम को मार सके, पर आज ऐसी कंडीशन नहीं है। मलेरिया के सामने हम उभर के सामने आ गए हैं, मलेरिया को कैसे रिमूव करना, पॉपुलेशन से कैसे हटाना हम जानते हैं, उसकी ड्रग्स भी आज अवेलेबल है। तो ये हमने पढ़ा प्रोटोजुवास की चार कैटेगरीज के बारे में, और प्रोटोजुवास लास्ट कैटेगरी है, लास्ट ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा का।